शहर में चोरी की बढ़ती वारदातें आमजन का चैन छीन रही है, वहीं पुलिस को भी चुनौती दे रही है। अब तो शहर के बीच बाजारों में भी व्यापारियों के प्रतिष्ठान चोरों के निशानों पर हैं। रविवार रात क्लॉक टावर थाने से चंद कदमों की दूरी पर किराना होलसेलर की दुकान से चोर शटर ऊंचा कर हजारों रुपए की नकदी सहित हजारों रुपए के परचून के सामान पर हाथ साफ कर गए। न्यू मैजेस्टिक सिनेमा रोड स्थित कृष्णा जनरल स्टोर के मालिक राजेश तोलानी ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने दुकान में चोरी होने की सूचना दी। दुकान पर आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे पड़े थे और दुकान के गल्ले से चिल्लर सहित 7,000 रुपए और 50,000 रुपए का किराना सामान चोरी कर लिया गया। जबकि सड़क पर रात और दिन चहल पहल बनी रहती है, क्लॉक टावर थाना भी दुकान से दिखाई देते हैं। ऐसे में पुलिस की गश्त और कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। कृष्णा जनरल स्टोर के नाम से गुटके बीड़ी की दुकान है यहाँ से। रात को आए थे और ये ले गए गुटके बीड़ी सिगरेट, करीब 30-40 हज़ार का माल ले गए, नमकीन वगैरह सब ले गए, कैश भी दी 5-7 हज़ार रुपये कैश भी ले गए। इससे पहले भी ले गए थे, मंगलवार की रात को भी आगे काउंटर लगा हुआ था उसमें से नमकीन ले गए करीब 4-5 हज़ार रुपये की मंगलवार की। किस तरीके से आए थे चोर? ताला तोड़ के आए थे, ये चारों ताले बाहर पड़े थे, रात को मालूम पड़ा, सुबह को 4:30 बजे फोन आया था। मदारगेट स्थित पड़ाव अनाज मंडी के व्यापारियों ने आए दिन बदमाशों की कारगुजारी से परेशान होकर सोमवार को अपने अपने प्रतिष्ठान और बाजार बंद कर क्लॉक टावर थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में आए दिन बदमाशों की धमकियों और विवादों से परेशान दुकानदारों ने बताया कि बदमाश लच्छू ने दुकानदार वीरू को 500 रुपए देने के लिए धमकाया। मांग पूरी नहीं करने पर लच्छू ने वीरू के गले से सोने की चेन झपट ली, जिसे वापस बरामद कर लिया गया। रात को 8 बजे मेरे छतरकुटे दुकान अनाज मंडी पड़ाव में मेरी दुकान पे गज्जू नाम का दान का बच्चा निवासी आया, 500 रुपये मांगने लगा। मैंने उसको मना किया तो उसके मेरे मना करने पर मेरे गले में हाथ डाल लिया और मारपीट करने लगा और गले से मेरी चूल्हे की चेन तोड़ दी। क्या कहेगा, अगर तुम आगे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा और आगे देखूँ तो क्या कैसे रहते हो, धमकी दे के गया है। बाजार हमारी बंद करके आए हैं पूरी दुकान के, तो एक साथ हम ये चाहते हैं उसको अच्छी तरह पाबंद करें और उसको अंदर करें। वहीं दुकानदारों ने पुलिस से स्थायी समाधान की मांग की है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने व्यापारियों के आरोप पर लच्छू उर्फ लक्ष्मण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर दुकानदार वापस लौटे। गज्जू दानकिया जो है सतगुरु ट्रेडर्स के पास आया, राजू के पास, उसका गला पकड़ा, उसको बोला भाई मेरे को पैसे दो 500 रुपए। उसने बोला किस बात के 500 रुपए दूं मैं, तो उसने बोला भाई 500 रुपए देने पड़ेंगे, और उसकी छीना झपटी में उसने चैन भी तोड़ ली और वो भागने लगा। फिर दुकानदार ने पकड़ के उसको चैन तो वापस ले ली उसे, वो चाकू लेके आया था, कहते हैं चाकू लेके आया था। सब व्यापारी थाना क्लॉक टावर पे आए हैं, मुकदमा दर्ज कराया है और आगे निवेदन है कि इसका तुरंत समाधान किया जाए।